हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और आज बच्चा बच्चा जानता है कि हर घर में सबको मैगी मांगता है। लेकिन क्या आपको पता है पूरी दुनिया में इंडिया इकलौता ऐसा देश है जहां वेज मैगी मिलती है। जी हां, दुनिया के दूसरे किसी भी कोने में आप चले जाओ, आपको ग्रीन डॉट वाली वेज मैगी कहीं पे देखने को नहीं मिलेगी। पर इंसान की सोच को मोच देने वाली बात तो ये है कि मम्मी भूख लग गई बस 2 मिनट की डायलॉग वाली मैगी नूडल्स, आपको क्या लगता है चाइना ने बनाया, नहीं तो जापान ने बनाया होगा? वेल, नॉट एट ऑल। तो आखिर किसने बनाया? Well, you'll be kind of shocked to know कि इसका जन्म स्विट्जरलैंड की बर्फीली वादियों में हुआ और स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट साक्षात और मिस्टर मैगी जी का इसमें हाथ था। और अगर आपके दिल में कौन मैगी, कैसा मैगी जैसे सवाल उठ रहे हैं, अच्छा है सवालों को सर उठाने दो। पर मेरी इस बात के बाद जरा सोचो, एक 5 रुपए की छोटू सी मैगी वजह से नेस्ले कंपनी यानी मैगी कंपनी के कर्ता धरता की कमाई आखिर कितनी होती होगी? Well, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। पिछले 2 दशक में मैगी ने 25% प्रॉफिट बढ़ाकर नेस्ले के सालाना कमाई को 1,000 करोड़ कर दिया है। पर आई नो आपका ये जानकर पेट नहीं भरा होगा, क्योंकि 2 मिनट में आपका पेट भरने वाली मैगी के पीछे लगने वाले घंटों की प्रोसेस की तो अभी बात ही कहां हुई है ना। अब फ्रेंड्स, हाल ही में काफी सारे वीडियोस ऐसे बन रहे थे कि मैगी में पिग फैट होता है, 60% नूडल मार्केट को होल्ड करने वाली मैगी 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 के बारे में इन आवर टुडेस वीडियो टाइटल्ड इनसाइड मैगी फैक्ट्री। अब भाई लोगों, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि मैगी परदेश से आई थी, लेकिन इस परदेश से आई परदेशी की पूरी कहानी तो मैं आपको अब सुनाऊंगा, क्योंकि हर स्टोरी की हिस्टोरी को जाने बिना आप उसके आगे की कहानी कैसे जानोगे। तो देखो, जो 2 मिनट की मैगी के आप चटकारे लेके खाते हो ना, वो आज से नहीं बल्कि सन 1983 से इंडिया के लोगों की भूख और एनर्जी की जरूरतों को पूरी करती। आज एक पैकेट मैगी आयरन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, सोडियम और फाइबर सब कुछ प्रोवाइड करती है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था, इसकी शुरुआत तो स्विट्जरलैंड की बर्फीली वादियों के बीच हुई थी, और इसकी शुरुआत करने वाले और इसे अपना नाम देने वाले इंसान और कोई नहीं बल्कि मिस्टर जूलियस मैगी थे, जिन्होंने सन 1884 में अपने पापा की मिल की भारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई थी। पर जल्दी उन्हें उस दौर में चल रहे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जंग में लड़ती लेडीज के घरों की जंग की कहानियां पता चली, जो बेचारी दिन भर फैक्ट्रीज में काम करती थी और फिर देर रात तक घर के किचन में, और ये देखकर जूलियस मैगी उनके लिए कुछ करना चाहते थे, एक ऐसा सलूशन लाना चाहते थे जिससे उनके देश की बेटी बहू और बहनों को किचन में घंटों बिताकर मेहनत ना करनी पड़े और साथ ही उन्हें हर तरह की न्यूट्रिटिव वैल्यू भी कम टाइम में मिल जाए। जूलियस ने कर दी अपने लोगों की मदद की पहल, और इस पहल को स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट ने पूरी तरह से सपोर्ट किया। उन्होंने जूलियस मैगी से अपने वर्किंग सोसाइटी के लिए एक नए इन्वेंशन की मांग की, और देखते ही देखते सन 1886 में मैगी का इन्वेंशन हो गया, जिससे वर्कर फैमिलीज को ना सिर्फ खाना खाकर अपनी भूख को मिटाने का मौका मिला, पर साथ ही जल्दी से पकाने वाले इस मैगी के चक्कर में टाइम और ज्यादा न्यूट्रिएंट्स का भी फायदा लोगों ने खूब उठाया। पर ये तो मैं आपको बताना भूल ही गया कि जूलियस मैगी के नाम पर बनी ये मैगी जूलियस का पहला इन्वेंशन एक्चुअली में नहीं थी। जूलियस मैगी ने मैगी से पहले मैगी के सीजनिंग यानी मसालों का इन्वेंशन किया था, जिसे खाने के स्वाद को और स्वादिष्ट बनाया जाता था। और हाँ, मैगी के पहले और मैगी के बाद भी जूलियस कई सारे नए नए इन्वेंशंस करते रहे, जिससे वो इंडस्ट्रियल फूड प्रोडक्शन के जाने माने इंसान बन गए, जिन्होंने रेडीमेड सूप्स और फिर बॉयल इन कॉन्सेंट्रेट्स यानी कि ब्रॉथ जैसी चीजों का भी आविष्कार किया। अब ऐसे कमाल धमाल इन्वेंशंस कहां छुपाए छुपते हैं, तो जल्द ही मैगी वर्ल्ड फेमस वर्ल्ड वाइड हो गया, वो भी इतना ज्यादा कि सन 1897 में जूलियस मैगी ने जर्मनी में अपनी खुद की नई फैक्ट्री खोल डाली। उनका बिजनेस बढ़ते जा रहा था और तभी सन 1912 में जूलियस का देहांत हो गया, और उनके जाने के बाद मैगी की ओनरशिप और कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में बहुत सारे बदलाव आए, और सन 1947 में, यस, हमारे आजादी के साल में ही मैगी की कंपनी नेस्ले के साथ एक हो गई और दोनों मिलकर नेस्ले एलिमेंटाना SA बन गए। अब फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसका नाम है बाइनमो, और ये ऐप स्टोर और प्ले स्टोर दोनों में अवेलेबल है। इसमें आप अलग अलग एसेट्स में ट्रेड कर सकते हो, जैसे कि गूगल, एप्पल, बिटकॉइन, गोल्ड, और तो और इसमें फॉरेन करेंसी जैसे कि US डॉलर्स या यूरोस में भी आपको 90% प्रॉफिट तक मिल सकता है। अब देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। मैं एक 700 रुपीज का ट्रेड अप करता हूँ कि इस एसेट की वैल्यू बढ़ेगी, और अभी हमें बस सिर्फ थोड़ा सा इंतजार करना है। एंड यस, मेरा फोरकास्ट सही निकला और अब मैं ये अमाउंट आसानी से अपने बैंक अकाउंट या पेटीएम में विदिन 24 आवर्स विड्रॉ कर सकता हूँ।
इसका मिनिमम डिपॉजिट 350 रुपीज है और अगर आप मेरा प्रोमो कोड नीचे दिया गया यूज करोगे तो आपको डबल डिपॉजिट मिलेगा, मतलब अगर आप 400 रुपीज डिपॉजिट करोगे तो सीधा 800 मिल जाएगा। और हाँ, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक से आप डाउनलोड करोगे तो आपको 65,000 रुपीज का बोनस मिलेगा जो आपके डेमो अकाउंट में जाएगा, जिससे आप ट्रेडिंग, लर्निंग स्किल्स और स्ट्रैटेजीज प्रैक्टिस कर सकते हो। और हाँ फ्रेंड्स, ध्यान से ट्रेड कीजिए रिसर्च करने के बाद, क्योंकि किसी भी ट्रेडिंग में आपका कैपिटल इन्वॉल्व होता है और वो रिस्क पे होता है। सो या, क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड गो डाउनलोड बायनोमो नाउ। आई एम अ बायनोमिस्ट, आर यू? पर ये तो थी तब की बात। नाउ लेट्स जंप इनटू द प्रेजेंट और जानते हैं कि आज की कहानी क्या है। तो मैगी ने सन 1947 में ही इंडिया में भी डेरा डाल दिया, और तब का एक दिन था और आज का एक दिन है। मैगी के पैकेट में भरे नूडल्स से लेकर मैगी के मैजिक मसाले के सारे इंग्रेडिएंट्स इंडिया की ही मिट्टी से उगते हैं और यहीं पर यूज भी होते हैं। लेकिन मुझे बताएं, अब आप पूछोगे कि ऐसा क्यों? तो अब जाहिर सी बात है, 1,000 करोड़ का प्रॉफिट करवाने वाले मैगी के पास पैसे की तो कमी नहीं होगी। और ये सब इसीलिए होता है क्योंकि मैगी कंपनी अपने कस्टमर्स को हर चीज एकदम लाजवाब देना चाहती है। यानी अगर कोई मैगी का एक नूडल भी खा ले तो वो मैगी के स्वाद में ऐसे खो जाए कि उसे पूरे पैकेट को खाने का मन करने लग जाए। कुछ समझे? नहीं समझे तो कोई नहीं, वीडियो को 2 बार देख लेना, क्योंकि अब हमें बढ़ना होगा आगे और आपको बताना होगा कि मैगी बनाने का आटा तो आ जाता है फ्रॉम इंडिया का कोना कोना, बट अब सिर्फ आटे से ही तो सब कुछ नहीं बनता ना। और इसीलिए मैगी की सबसे जरूरी चीज, मैगी के मसाले वाले टेस्ट मेकर्स आखिर कैसे बनते हैं? Well, मैगी में पड़ने वाले इस महा जरूरी चीज की पूर्ति भी इंडिया के कोने कोने से ही की जाती है। जैसे आंध्र प्रदेश से लाल मिर्च मंगाया जाता है, राजस्थान से खुशबूदार जीरा और सूखा धनिया, और महाराष्ट्र से आती है पीली हल्दी। पर मैं मैगी में पड़ने वाले 13 में से सिर्फ 4 मसालों के बारे में क्यों बता रहा हूँ ऐसे सोचने वालों? ऐसा इसीलिए क्योंकि मैगी ने अपने सारे मसालों के आयात निर्यात की जानकारी आज तक जग जाहिर नहीं की है। अब आने वाले इंग्रेडिएंट्स के बारे में तो समझा दिया मैंने, पर ये इंग्रेडिएंट इंडिया के कौन कौन से कोने में, मेरा मतलब है फैक्ट्री में, इकट्ठा होता है, थोड़ा ये भी जान लेते हैं। हाँ, तो इन जगहों में सबसे पहला नाम आता है तहलीवाल, हिमाचल प्रदेश का। दूसरा है पंतनगर, जो उत्तराखंड में है। तीसरा है मोगा, जो पंजाब में है। और चौथा है बिचोलिम, जो गोवा में है। और पांचवा है नंजनगुड़, जो कर्नाटका में है। So, अब इंग्रेडिएंट्स है तैयार और फैक्ट्री में पहुंच गए हैं यार, तो करना किसका है इंतजार? चलो शुरू करें मैगी बनाने का कार्यक्रम यार। अब ये बात उंगलियों पर गिनकर तो नहीं बताई जा सकती कि एक पैकेट मैगी को बनाने में कितना टाइम लगता है, लेकिन मैगी बनाने की घंटों वाली प्रोसेस तो मैं आपको यूं बता दूंगा। मतलब देखो यार, करना ही क्या है, बस पहले आटा गोलो, मेरा मतलब है सूखे आटे में पानी को मिलाओ, मम्मीज की तरह आटा को गूनो और इसकी सेवैयां बना दो। बट 2 या 4 लोगों की जितनी मैगी तो बनानी नहीं है कि 2 घंटे में आटे की सेवैयां तैयार हो जाएगी, और इसीलिए ये काम फैक्ट्री वालों पर ही छोड़ दे तो शायद अच्छा रहेगा। Well, अब सबसे पहले 2018 के मिले डेटा के अनुसार शुरुआत होती है फैक्ट्री में पहुंचे नंबर 1 क्वालिटी के गेहूं और बाकी सारे जरूरी इंग्रेडिएंट्स के लगभग 500 से ज्यादा टेस्टिंग से। इस टेस्ट में जो रॉ मटेरियल्स पास हुए वो इन हो जाते हैं और जो फेल हुए वो आउट हो जाते हैं, जिसके बाद गेहूं के मैदे को बिल्कुल किसी रोटी बनाने वाले आटे की तरह गूंध लिया जाता है। बस फर्क यही है कि फैक्ट्रीज में आटा गूंधने का काम मम्मीज नहीं बल्कि मशीन्स करती है, और वो भी बड़ी बड़ी भारी भारी मशीन्स। और एक बार आटा तैयार हो जाएगा तो फिर इसके बाद इस आटे को मशीन्स में डालकर इसकी शीट्स बनाई जाती है। एक तरफ ये पतली शीट्स रोल होती है और दूसरी तरफ इन रोल्ड शीट्स को दूसरी मशीन्स कुछ ऐसे कट करते हुए शेप दे दी जाती है। पर इनका सफर यहीं पर खत्म नहीं होता, क्योंकि इसके बाद ऐसे लेटे लेटे ही इन्हें स्टेम किया जाता है, और स्टेम करने के बाद ये ऑलमोस्ट 80% कुक हो जाती है। वेल, बची हुई 20% क्यों नहीं? जरा सोचो, अगर बची हुई 20% को भी वो पका देंगे तो आप घर पे क्या पकाओगे? तो इसीलिए मैगी को 80% स्टेम किया जाता है, जिसकी वजह से मैगी को उसका गोरा गोरा रंग भी मिल जाता है और आपको उसे 2 मिनट में तैयार करने का मजा भी। और बाय द वे, अगर उसे पूरा पका देंगे तो उसका कलर ब्राउन हो जाएगा और वो दिखने में शायद इतनी आकर्षक नहीं लगेगी बेचने के लिए। बट इसके बाद इन स्टेम नूडल्स को मशीन से कुछ ऐसे कट, फोल्ड और मोल्ड में डालकर सेट किया जाता है और प्री ड्राई होने के लिए रखा जाता है, जिससे इनका फैट कॉन्टेंट कम हो जाएगा और मैगी तैयार हो जाएगी। सो देखा है ना, बिल्कुल आसान मैगी बनाना। पर रुको, मैगी के बाद अब मैगी को टेस्ट में हीरो बनाने वाले मसालों को बनाने की प्रोसेस भी तो जान लो। हाँ, तो मैगी के मसालों का मैजिक भी रॉ मटेरियल वाला टेस्ट पास करके एक फैक्ट्री में पड़े रहता है, और फिर फैक्ट्री की बड़ी बड़ी मशीनों में उन 13 स्पाइसेस को डाला जाता है और 5 से 10 मिनट तक नहीं बल्कि पूरे 2 घंटों तक इन स्पाइसेस को मिक्स किया जाता है। और मसालों को रोस्ट यानी कि आग में 2 घंटे तक भूनने के बाद इन मसालों को एक बड़े से ब्लेंडिंग मशीन में डाल दिया जाता है
जहाँ इनकी ब्लेंडिंग यानी कि पिसाई होती है, और पिसाई के तुरंत बाद इन मसालों को हाई ग्रेड पैकेजिंग वाले पैकेट में पैक कर दिया जाता है, जिनसे इनकी फ्रेशनेस और खुशबू दोनों लंबे समय तक बरकरार रहे। और टड़ा, तैयार है मैगी का मैजिक वाला मसाला। अब फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि मैगी और मसाले दोनों बन गए और ये खाने के लिए भी तैयार है, तो क्या इन्हें पैकेजिंग करके सीधा भेज दिया जाता है? वेल, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप अभी बाकी रह गया है, जो है मैगी की टेस्टिंग। 2018 के डेटा के मुताबिक मैगी को अपनी पूरी जर्नी में 200, 400 या 200 टेस्ट नहीं लगते, बल्कि पूरे 650 टेस्टिंग प्रोसीजर से ज्यादा को पार करना होता है। इसके अलावा हर जगह पर मेटल डिटेक्टर्स वाली चेकिंग भी होती है, मैगी राइट शेप का है या नहीं इसकी भी चेकिंग होती है। लेकिन अब अगर आपके दिमाग में सवाल उठ रहा है कि आखिर इतनी टेस्टिंग की क्या जरूरत है, तो वेल, इसका रीजन है 2015 में मैगी में लेड वाले केस के बारे में आपने शायद सुना होगा। वही केस जिसमें मैगी पर एक ऐसा बैन लगा था ना कि नेस्ले को 500 करोड़ से भी ज्यादा का लॉस हुआ था और 37,000 टन्स के मैगी नूडल्स को बर्बाद करना पड़ गया था। और बस इसी के बाद मैगी ने अपनी पुरानी टेस्टिंग के आंकड़े में नई टेस्टिंग के आंकड़े बढ़ा दिए और टेस्टिंग के नंबर्स को इतना बढ़ा दिया ताकि फिर कोई मैगी के ऊपर उंगली ना उठा सके। और ये कितना कामगार रहा है इसका अंदाजा आप ही लगा सकते हो। नवंबर 15 में जब नेस्ले इंडिया ने मैगी की रीलॉन्चिंग की थी, तो 50 मिलियन यानी कि 500 लाख पैकेट्स देखते देखते बिक गए थे। मतलब हर दिन का टोटल किया जाए तो एक दिन में 23 लाख पैकेट्स बिक रहे थे, which is insane। और अब टेस्टिंग से बढ़कर आगे की बात करते हैं इनकी पैकिंग की। तो मैगी की पैकिंग भी मशीन से ही होती है। एक तरफ मशीन हर मैगी के टुकड़े के साथ मैगी टेस्ट मेकर का पैकेट रखता जाता है, और दूसरा इन्हें मैगी के डिजाइनर पीले पैकेट में भरते जाता है। लेकिन क्या आपको पता है मैगी की रेलगाड़ी के बीच ये पैकेट उठा उठा कर बास्केट में क्यों भरे जा रहे हैं? Well, क्योंकि मैगी को अभी भी नेस्ले क्वालिटी एश्योरेंस सेंटर यानी NQAC, जो नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड ऑफ टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज द्वारा प्रमाणित लैब है, उसके फूड स्पेशलिस्ट के एक पैनल को पार करना होता है, जो मैगी के विटामिंस, मिनरल्स और माइक्रोब्स की टेस्टिंग के साथ हर मैगी के बैच में से एक एक मैगी को लेकर, मैगी को खाकर मैगी को अप्रूवल और डिसअप्रूवल देते हैं। और एक बार मैगी को अप्रूवल मिल गया, फिर ये चल देती है अपने रास्ते, क्योंकि फिर ये रोबोटिक आर्म्स एक बार में सिर्फ 10 सेकंड में एक कार्टन में पैकेट्स को पैक कर डालते हैं, जहां से आगे जाकर ये बॉक्सेस वे होते हैं, और अगर किसी भी बॉक्स का वजन कम होता है तो मशीन खुद ब खुद उस बॉक्स को साइड करके टाटा बाय बाय कर देती है। और बस फिर ये पैक्ड कार्टन्स आपके नजदीकी स्टोर्स और वहां से आपके घर तक पहुंच जाते हैं, ताकि आप इसे झट से पकड़ फट से अपने बाबू सोना को इम्प्रेस कर सकते हो और अपनी भूख को सप्रेस कर सकते हो। और अगर बाबू सोना नहीं है तो आप मैगी बनाकर अपने माँ बाप के मुंह से आशीर्वाद तो ले ही सकते हो। सो फ्रेंड्स, या फाइनली ये भी कहूंगा कि मैगी में कोई पिक फैट नहीं होता, सेफली कंज्यूम इट, बट हाँ, इन मॉडरेशन, क्योंकि मैगी खाना किसे नहीं पसंद। मतलब आप खुद ही सोच लो, अगर मैगी किसी को नहीं पसंद होता तो 1983 में पहली बार इंडिया में लॉन्च होने से लेकर 2018 तक 3,200 करोड़ मैगी के पैकेट्स सेल हो चुके हैं, यानी पूरी दुनिया के पॉपुलेशन के डबल ट्रिपल चौपल पैकेट्स प्रोड्यूस हो चुके हैं। और इसीलिए फ्रेंड्स, अगर तुम्हें भी है मैगी से प्यार तो एक लाइक जरूर ठोकना। और हाँ, अगर आपको मैगी के कुछ फैक्ट्स सुनकर 440 वोल्ट का झटका लगा तो फैक्ट नीचे मेंशन करना। और नए हो इस चैनल पर और ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस देखना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन सिलेक्ट कर लो, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचते रह सके। एंड एज ऑलवेज, गेट सेट फ्लायर्स, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।